प्रश्न संख्या 87। माननीय मंत्री जी, मैम आई हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स, मैंने आपकी सड़क नीति भी पढ़ ली। आई हैव नाउ टू क्वेश्चंस टू आस्क। हिंदी में बोलो भाई। मैडम मैं दो प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपका आंसर पढ़ लिया इसीलिए पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे कि आप सभी श्रेणी जो सड़कों का आप नवीनीकरण कर रहे हैं, आर यू अडहेरिंग टू द नॉर्म्स, जो आपने नॉर्म्स अपनी सड़क नीति में दिए हैं 4 साल 6 साल 8 साल, क्या आपने सभी सड़कों पर आपने ये अडहेर करें हैं नॉर्म्स 4 साल 5 साल 6 साल और 8 साल? पहला प्रश्न मेरा ये जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि आपने पिछले 3 सालों की मुझे नवीनीकरण की पूरी लिस्ट मुझसे मांगी है, प्रदेश में कितने नवीनीकरण, कितना नवीनीकरण हुआ है प्रदेश में सड़कों का। तो माननीय अध्यक्ष जी, 3 साल से तो आप ही की सरकार थी, हम लोग तो अभी आए हैं। मैं सदन को पूरा आश्वस्त, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, किसकी सर, आई एम नॉट आस्किंग अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, आपको पूरा उत्तर सुन लीजिए फिर आपको प्रश्न का होगा। जो प्रश्न मंत्री जी दे रहे हैं उसको चुपचाप सुनना है। सुनना तो पड़ेगा अगर 3 साल की सूची मांगेंगे। आप बोलिए माननीय मंत्री जी, बोलिए। ऐसा है, गत 3 वर्षों में तो जैसा मैंने बताया आपकी सरकार थी और बहुत कम नवीनीकरण हुआ है। बिल्कुल सही आपका प्रश्न भी था, चिंता तो हम सभी को है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि इस बजट में लगभग 9,000 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण, नवीनीकरण एवं उन्नयन प्रस्तावित है। अगला पूरक। सर जो मैंने क्वेश्चन करा, मैं सिर्फ उसका आंसर चाह रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं चाह रहा यहाँ पर। क्या करें? मैं क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं, मेरे को आपका संरक्षण चाहिए। मैंने इनसे ये पूछा, जो नॉर्म्स हैं, जो आपकी सड़क नीति बनी हुई है, क्या आप उनके नॉर्म्स को अडहेर कर रहे हो? आर यू फॉलोइंग दोज नॉर्म्स और नॉट? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन। माननीय मंत्री, बिल्कुल हम लोग उसको फॉलो कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ऐसा कुछ अगर है तो आप मुझसे मिले, आपकी कोई अगर ऐसी विशेष सड़कें हैं जो आपको लगता है 3 सालों में ध्यान नहीं दिया गया। मैडम वैसे तो ये समस्या तो पूरे प्रदेश की है और पूरी तरह से हमारी सरकार इस पे पूरी मैडम, तरह मेरे यहाँ ना तो कोई सड़क की प्रॉब्लम है ना मैं आपसे मांग रहा हूँ। आपने जो 9000 करोड़ का बजट दिया है उसमें से 2000 करोड़ सेंट्रल सरकार के आपके नहीं है, ये भी आपको बता देता हूँ। वो भी आपके नहीं है, वो भी आपके नहीं है। आपने जो बजट में विंडो ड्रेसिंग करी है उसकी बात नहीं कर। अब दूसरा प्रश्न, जब वो जवाब दे रही है तो मैं भी वैसे जवाब। नहीं संजय, चर्चा की आवश्यकता नहीं है, सब क्यों हो रहा है, यहाँ भी था वहां भी है, वो भी आप ही का पैसा है। क्या आपने सभी सड़कों का जो नवीनीकरण करा है, जो एज पर सड़क नीति आपने नवीनीकरण करा है सभी सड़कों का, आपने मुझे अभी लंबाई का आंसर दिया है, आपने ना कोई इसमें सड़क का नाम लिया कि कौन कौन सी सड़कों का हमने नवीनीकरण करा है, आपने एक जिस्ट बना के भेज दी पूरे राजस्थान की कि भाई इतनी लंबाई की सड़क, लंबाई आपने मेरे ख्याल से 12,181 किलोमीटर की, ये आपने 3 साल में जो हमने सड़कों का नवीनीकरण करा है वो आप 3 साल में कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा, मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दें कि कौन कौन सी सड़कों का नवीनीकरण हुआ है, उसकी मुझे लिस्ट प्रोवाइड करा दें। आपने प्रश्न में केवल कितनी सड़कों का नंबर पूछा है, कौन कौन सी नहीं पूछा है। मैंने उसमें प्रश्न पढ़िए, पूरक प्रश्न में पूछ सकता हूँ, मैं पूरक प्रश्न में पूछ सकता हूँ, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, जी माननीय अध्यक्ष जी, आपको समझाओ, माननीय सदस्य, आपको से बात नहीं करेंगे, वो बोल रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हो? अरे वो बोल रहे हैं, आप भी तो जवाब दे रहे हो, आप बैठो जी। बिल्कुल, आपको जो आपने पूरी लिस्ट मांगी है वैसे तो आपको पूरा विवरण भेज दिया गया है, लेकिन अगर आप उसकी भी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। श्री घनश्याम, प्रश्न संख्या 88। माननीय मंत्री जी, नहीं, विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री